जोधपुर शहर जहां के मदन महल थाना क्षेत्र में दो बदमाशों को लोगों ने पकड़ लिया। ये भेष बदलकर घरों में घुसते थे और लूट की वारदात को अंजाम देते थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए बदमाश रूप बदलने में एक्सपर्ट है, जो उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में वारदात करने के लिए आए थे। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोपहर में MLB स्कूल के पास रहने वाले सूरज महावत के घर लूट के इरादे से बदमाश घुसे। जैसे ही लुटेरे ने घर की एक महिला के मुंह पर कट्टा उड़ाया, उसके मुंह से चीख निकल गई। महिला के चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग उसके घर पहुंच गए, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और दोनों लुटेरों को लोगों ने दबोच लिया। वहीं लोगों ने जमकर उनकी धुनाई भी की। इसी बीच बदमाशों के दो साथी कार लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मदन महल पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की पूछताछ में युवकों ने बात स्वीकार की है कि वो बरेली से आकर जबलपुर शहर में काफी दिनों से रह रहे थे। बदमाश लूट के इरादे से जिस घर में घुसे थे, वहां उन्हें कई तोला सोना और पैसा होने का पता चला था। वहीं मदन महल थाना प्रभारी नीरज वर्मा ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों के पास से हथियार और रूप बदलने के कई नकली दाढ़ी मूछ सहित वॉकी टॉकी भी मिले हैं। पुलिस मौके से फरार हुए बदमाशों की दो साथियों की तलाश करने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है और इसके पहले आरोपियों ने कहां कहां वारदात को अंजाम दिया है, इस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।